हाय दोस्तों, आज हम आपको बनारस में एक आधुनिक भारत का मंदिर दिखाने वाले हैं और ये है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि अब बनकर तैयार है और जल्द ही इसके दरवाजे लोगों के लिए खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, बनारस आपको मालूम है कि बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर, जो एक ज्योतिर्लिंग है, बाबा विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने। तो अब एक आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में ये कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है, तैयार हो गया है और जल्द ही खुल जाएगा। और ये एक प्रतीक है भारत और जापान की दोस्ती का। आपको मालूम है कि बनारस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है और वहाँ पर यह इमारत शक्ल ले चुकी है। और इसकी नींव उस वक्त पड़ी जबकि जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे श्री मोदी जी के साथ वाराणसी आए थे और गंगा आरती में भी उन्होंने भाग लिया था। और उन्होंने इच्छा जाहिर कर दी कि दोस्ती की एक प्रतीक इमारत यहाँ बनाई जाए, जिसके लिए जापान सहयोग करेगा। और इस प्रकार से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसे अब रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र का नाम दिया गया है, उसकी नींव पड़ी। तो ये एक आधुनिक बिल्डिंग है, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है और इसका निर्माण जापान ने सहयोग किया है। और इसके निर्माण में जीका या जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी पूरी तरह से इन्वॉल्व रही और 186 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। 1200 लोगों की इसमें बैठने की क्षमता है और इसमें बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस इत्यादि हो सकेंगे। आपको मालूम है कि बनारस में IIT भी है और एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज, IIMS, BHU है और बड़े बड़े सेमिनार, गोष्ठियाँ, वर्कशॉप यहाँ होते रहते हैं, जिनके लिए यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। यहाँ पर ये सब कार्य किए जा सकते हैं। और इसकी नींव तो 2005 में पड़ी, सॉरी 2015 में पड़ी, और जबकि जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बनारस आए थे। और ये बिल्डिंग एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग है, इसमें फायर फाइटिंग के लिए ख़ास तौर से बड़े ही इंटेलिजेंट सिस्टम लगे हुए हैं, जो ऑटो एक्टिवेट हो जाते हैं और फायर का इसमें जो डर है वो कम से कम है इस प्रकार। और इसके बाद इसमें पार्किंग की बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था है, करीब 120 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। और इसमें एक बड़ा हॉल है, 1200 लोग इसमें बैठ सकते हैं, साथ ही साथ करीब 150 लोगों के बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए एक हॉल भी है और एक VIP रूम और 4 ग्रीन रूम भी बने हुए हैं। और इसका अभी जो मॉनिटरिंग है वो स्मार्ट सिटी वाराणसी के द्वारा किया जा रहा है और इसने इसको अब ISWAC को देखने का फैसला कर लिया है, इसकी देखभाल का जिम्मा, जो कि संस्था अभी PFC को भी देखभाल करती है, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, जिसे पंडित दीनदयाल संकुल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका देखभाल जो संस्था कर रही है ISWAC, वही इसका देखभाल भी करेगी और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मेंटेनेंस के रूप में भी काम आएगा और बाकी सरप्लस जो रहेगा वो गवर्नमेंट के पास काम में आएगा। और इसका जो भूमि का एरिया है वो 3 एकड़ है, 3 एकड़ में बना है। दोस्तों, इस पड़ाव पर, इस वीडियो के, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप रुद्राक्ष में म्यूज़िक कंसर्ट देखना पसंद करेंगे, नंबर 1, या अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार या गोष्ठियाँ शामिल होना चाहेंगे, नंबर 2, या भाषण इत्यादि इसमें सुनना चाहेंगे, नंबर 3।
तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और इसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है, कोरोना पीरियड अब समाप्त हो जाएगा तो इसका उद्घाटन हो जाएगा। इसका रूप जो है शिवलिंग के रूप में है और इसमें 108 रुद्राक्ष चारों तरफ लगाए गए हैं। और इसके चतुर्दिक जो लॉन है वो मियावाकी पद्धति से बनाया गया है, जापानी पद्धति, बहुत ही सुंदर है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हम चलते हैं रुद्राक्ष की ओर। यहाँ पर आप रुद्राक्ष की नेम प्लेट देख सकते हैं दोस्तों, जिस पर लिखा हुआ है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र। ये इसकी लोकेशन है। इसके पूरब में शहीद उद्यान, पश्चिम में चंदुआ छित्तूपुर, और ये इसके निर्माण के समय के दृश्य हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर बना है और यहाँ पर इमारत आकार लेती हुई। दाहिने तरफ आप नगर निगम की बिल्डिंग देख सकते हैं, ये देखिए नगर निगम वाराणसी का प्रधान कार्यालय। और उसके बाएं तरफ जब रुद्राक्ष की तरफ फेस करके खड़े हो तो बाएं तरफ रुद्राक्ष, दाहिने तरफ नगर निगम वाराणसी। ये इसकी बिल्डिंग भव्य रूप में तैयार। बाहर आप लॉन देख सकते हैं हरा भरा। एक और लुक बिल्डिंग का, एक और बिल्डिंग के बाएं तरफ से हम पीछे की तरफ जाएं तो ये रास्ता है। सामने 5 पोल लगे हुए आपको दिख रहे होंगे, इन पे झंडे लगेंगे। ये देखिए इसका शिवलिंग के आकार में रुद्राक्ष। और ये सामने जो लॉन आप देख रहे हैं रुद्राक्ष की मुख्य बिल्डिंग के, ये मियावाकी पद्धति जापान की, उस पर बना है। बहुत ही सुंदर लॉन है ये। मियावाकी जापान की बहुत ही प्रसिद्ध पद्धति है लॉन बनाने की, उस पर बना है ये। और ये पोल अब आप सामने की तरफ से देखिए, इस पे झंडे लगेंगे, भारत और जापान के झंडे खास तौर पे लगेंगे। और अब हम आपको रात के कुछ दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए रात में जब एलईडी लाइटें इसमें लगी हैं, कितना सुंदर लगता है ये एलईडी लाइटों के प्रकाश में। और अब बिल्डिंग के अंदर जो ऑडिटोरियम है, हॉल है, वो देखिए 1200 लोगों के बैठने की क्षमता का हॉल। जब इसकी लाइटें जलती हैं तो इतना भव्य लगता है। ये एक और उसका दृश्य। तो इस प्रकार आपने देखा, यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।